हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोहा। तो चलते हैं पोहा बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो पोहा बनाने के लिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। चलते हैं, पहले हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए हमने इसमें ऐड करना है ऑयल। सो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे अपनी रोस्ट करने के लिए मूंगफली। मूंगफली को आपने अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है, पोहे में डलेगी है। मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। तो अभी हम पोहे को धो के साइड पे रख लेंगे 5 मिनट के लिए। तो अभी हम पोहे को धो लेते हैं। पोहे का पानी हमने निकाल लिया है, पोहे को 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये हमारा अच्छी तरह फूल जाए। पोहे को तड़का लगाने के लिए हमने ऐड करना है ऑयल। इसमें ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे हम। सो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरे को आपने अच्छी तरह थोड़ा सा भून लेना, उसके बाद साथ में डाल देंगे इसमें राई। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे आप। अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता। तड़का हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम अपना प्याज। प्याज को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। प्याज को हमने अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है, अब इसमें डालेंगे हम हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखा, मैं वीडियो बनाने का काम होता है। तड़का हमारा अच्छी तरह पक गया है, अब इसमें डालेंगे हम अपनी रोस्टेड मूंगफली। मूंगफली को अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम अपना पोहा। पोहे को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि उसमें मूंगफली और जो हमारा तड़का है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छी तरह वेल मिक्स कर लेंगे। सो हमारा पोहा बनके रेडी है गाइस। तो अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे अपनी। सो पोहा हमारा रेडी है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा नींबू इसका रस डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा और खट्टा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।